आज की ये प्रेस वार्ता का प्रमुख तीन विषय हैं, उसमें से सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा 25 और 26 जुलाई को जो लाल चौक श्रीनगर के अंदर तिरंगा यात्रा की गई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा, जिसमें प्रमुख तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के आदरणीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने जिस यात्रा में प्रमुख भूमिका निभाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगभग 70 वर्षों के बाद लाल चौक में इतने बड़े स्तर के ऊपर राजनीतिक एक जनसभा की है, और वहीं 30 वर्ष के बाद लाल चौक में पूर्णतया तिरंगा लहरा करके एक राजनीतिक कार्यक्रम किया है। जिस तरीके से लाल चौक के अंदर 1992 में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के तिरंगा लहराया था, उन्हीं की लीगेसी को फॉलो करते हुए आज 30 वर्ष के बाद 2022 को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वहां पर तिरंगा लहरा करके एक ये संदेश दिया है कि ये जम्मू कश्मीर आदरणीय नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व का जम्मू कश्मीर है, जिसमें तिरंगा लहराने में कहीं पर भी गतिरोध और प्रतिरोध नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हर व्यक्ति को छूने का काम किया है, मजहबों मिल्लत को छोड़ते हुए हर व्यक्ति तक विकास का काम पहुंचा है, वहीं हर व्यक्ति ने इस तिरंगे को उठा करके आगे बढ़ने का धैर्य लिया है। उस जनसभा के माध्यम से हजारों कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं उसमें शिरकत की और तिरंगा लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बुलंद किए। उस तिरंगा यात्रा से एक पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर एक संदेश है कि आज जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से बदल रहा है। जिस तरीके से पिछले 70 वर्ष एक माहौल बना करके रखा, और यहां पर चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने ऐसा माहौल बना करके रखा था कि यहां पर तिरंगा लहराना मना है या उसको नहीं मना सक उसको नहीं लहरा सकते, आज नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के अंदर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जन गण मन राष्ट्रगान का गायन नहीं होगा। इसके साथ जिस तरीके से यहां पर कश्मीर के अंदर जो बदलाव आया है, आज कश्मीर के डाउनटाउन इलाके के अंदर कई सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ महिलाएं जुड़ करके वहां पर तिरंगा बनाने का काम कर रही हैं और पूरे देश के अंदर वहां से तिरंगा जाता है। जिस तिरंगे के लिए यहां पर ऐसा माहौल था कि तिरंगा लहराना भी पाप होगा या तिरंगा लहराने का स्थान नहीं है, आज उसी कश्मीर के अंदर तिरंगा बनाने का काम कश्मीरी महिलाओं द्वारा, कश्मीरी युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यह सीधा सीधा उदाहरण है सशक्त नेतृत्व का। और आने वाले समय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उन तिरंगों को लेकर के कई नौजवानों तक आउटरीच भी करेगी और प्रतिभावान नौजवानों तक पहुंचेगी उन तिरंगों को लेकर के, और इन्हीं तिरंगों को लेकर के जो कश्मीर के अंदर बने हैं खादी के तिरंगे, उनको हमने पूरे देश के, अभी हमारा बिहार में एक संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी थी, सभी नेताओं को भेंट स्वरूप दिया और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने घरों पर कश्मीर का बना हुआ तिरंगा लहराने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आने वाले समय के कार्यक्रम हैं, 9, 10 और 11 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे जम्मू कश्मीर में हर जिले के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालेगी, बाइक रैलीज निकालेगी और जन जागरण करेगी, और 13, 14, 15 ऐसे 3 दिन हर घर तिरंगा लेकर के जाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रभात फेरियों के माध्यम से ये करेंगे। यही
सब आप सबके बीच में रखने के लिए आज ये प्रेस वार्ता।